चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवी की। पृथ्वी हमारा आवास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसका फर्स्ट लेक्चर है। सौर मंडल में पृथ्वी क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी याद रखना है आपको कि आपको इन बुक्स को एक बार मन लगाकर पढ़ना है, ठीक है? ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है, आराम से समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है? ये आपकी पृथ्वी है, दिख रही पृथ्वी ये है, ये आपका सूर्य है, सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर आपका यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है? ये आपके सभी ग्रह हैं, देखते रहिए। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकती वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग तिथियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप उसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आप इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। याद रखना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यह इन्हीं कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के लिए हम लोगों को सलाह दी जाती है कि कक्षा छठवीं से 8वीं तक की नॉर्मल सी जो किताबें लिखी हैं इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये जो भी किताबें हैं आपकी ये आपका बेस क्लियर कर देती हैं, बेस मजबूत कर देती हैं, ठीक है? जिस तरह मकान बनता है तो नींव भरी जाती है ना, उसी की तरह है ये, ठीक? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब यहाँ आप लोगों ने फिर से देखा होगा कि जो तारा है आपका, इसकी अपनी ऊष्मा भी है और प्रकाश भी है, ठीक है? इन्हें ही आप लोग तारा कहते हैं, ठीक है? सूर्य भी, जैसे कि आपका सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि बड़े नक्षत्र आरसा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, उससे इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। याद रखना है आपको, यार पता है मेरे यहाँ एक खेत पर काम करने वाला रहता था, तो एक बार मौसम थोड़ा ऐसे ही था, ऐसा ही नॉर्मल मौसम था, लेकिन उसने बोला कि पानी बरसेगा 1 घंटे बाद। तो पता है ऐसा ही हुआ, उसी 1 घंटे के बाद बारिश होने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता था, तो बोला कि ये सूर्य निकला हुआ था, इसी से मैं अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब वो पता नहीं कैसे टाइम, अगर वो उसने बोल दिया कि अभी 12 है, उससे पूछो कितना बज रहा है, 12 बज रहा है या 1 बज रहा है, वो क्लियर टाइम बताता था, बस 5-10 मिनट का फर्क हो सकता है। तो लोग पहले इसी तरह पता कर लेते थे। ठीक है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे ये देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाशित प्रकाश से विकासित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। याद रखना है तारों की अपनी ऊष्मा और विकास होता है, और जो पिंड होते हैं ग्रह होते हैं, उनका प्रकाश और उनमें ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से विकासित होते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी हमारा एक ग्रह, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। हमने बताया था आप लोगों को, हम लोगों देखा भी था आपने कि सूर्य एक तारा है, ठीक, और पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी का अपना कोई ऊष्मा और विकास नहीं है, ये सूर्य के विकास से विकासित होती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली चमकती हुई प्रतीत होती है। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक, अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा मदद करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, देखना पड़ेगा, ये आपका सूर्य है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन रोलेट करते रहिए, ठीक है, स्क्रीन आप बदल लेंगे तो हो जाएगा। ये आपका सूर्य है, उसके बाद आपका बुध है, फिर ये आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, क्या है शुक्र, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक, बुध के बारे में आपको याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, कितने दिन में, 88 दिन में अपनी अक्ष पर घूर्णन, बुध है आपका जो ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, कितना, 88 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन लगाता है। ठीक है, फिर आपका शुक्र है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में लगाता है, कितने में, 255 दिन में, और अपने अक्ष पर शुक्र घूर्णन करता है 243 दिन में। ठीक है, पृथ्वी जो है आपकी, इस सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में
365 दिन का टाइम लेती है और अपने अक्ष पर एक दिन में 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम लेती है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या, मतलब इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में एक, कितना लेता है, एक दिन। चंद्रमा की संख्या इसमें दो है, ठीक है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं, ठीक है। फिर आपका वो जो बृहस्पति है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल के करीब लेता है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है, ठीक है। बृहस्पति, चंद्रमा की संख्या इसकी 16 थी पहले, लेकिन अब बढ़ गई, 82 के करीब हो गई शायद, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, 82 शायद है। शनि है, शनि के भी बढ़ गए, पहले शनि के ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन शनि के भी बढ़ गए, बृहस्पति भी। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। चंद्रमा की संख्या 30 से अधिक है, ठीक है, पहले शनि के ज्यादा हुआ करते थे, अब बृहस्पति के भी ज्यादा हुआ है सर, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, क्लियर मुझे। जन एक का 79 है शायद, एक का 82, अब आप भी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए अगर जिसे भी कंफर्म मालूम चल जाए, ठीक है, क्योंकि दूसरा देखे तो उसे भी पता चल जाए। वाह ग्रह सूर्य के से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ठीक है। वाह ग्रह जो आपका यूरेनस है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। और नेपच्यून है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन में पूरा करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है, ठीक है, याद रखना। आगे हम लोग बात करते हैं आसमान। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारा पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। पौराणिक रोमन कहानी में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सोलर, सूर्य मंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। हम दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यह दो ग्रीकों से, जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ अधिक, लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो पृथ्वी का मापन, आइड ये पृथ्वी के अनुरूप, सौर मंडल अब जानते हैं हम लोग। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि यहाँ क्या समझाने की कोशिश की गई है, सौर मंडल किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ लिख दिया, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है।
लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार विग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। किसका? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के सदस्यों को खोजने रहस्यों को खोजने में लगे हुए। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। किसके? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब याद रखना कुछ रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो है आपका चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसेट, IRS और एडुसेट। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह में कक्षा में प्रवेश, मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर
करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। विज्ञानकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। फिर है आपका, ये है आपके, ठीक है, क्षुद्र ग्रह देख लिया। फिर है आपका उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस विक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे दयाल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। इस पट्टी को, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी परिकल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ये आपके अभ्यास के लिए है। क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उनके बारे में देखते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा इसको पीडीएफ को, ठीक है, वहां से रख लीजिए आपके अपने पास, ठीक है। देखते रहिए, ठीक है। था हमारा फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। अब आगे हम लोग बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर।